मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण के साथ ही साथ गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद गांधी परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में हरियाणा के पंचकुला स्थित 65 करोड़ की कीमत वाली संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है। वर्ष 2005 में हरियाणा की तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने नियम कायदे को नज़रअंदाज कर यह संपत्ति गांधी परिवार के स्वामित्व वाली AJL कंपनी को आवंटित कर दी थी। 1982 में तत्कालीन CM भजनलाल ने यह प्लॉट AJL कंपनी को आवंटित किया था। 10 साल तक निर्माण नहीं होने के कारण हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट प्राधिकरण ने इसे वापस ले लिया था। 2005 में मना करने के बावजूद तत्कालीन CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1982 की कीमत पर ही प्लॉट AJL को फिर से आवंटित कर दिया। ED के अनुसार प्लॉट की कीमत 64.93 करोड़ रुपए थी, जबकि हुड्डा सरकार ने केवल 59 लाख में आवंटित कर दी। दूसरी ओर अब तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी मान लिया है कि देश की जनता ने अपने स्वार्थ की वजह से नहीं बल्कि होशियार होने की वजह से कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया। भले ही चुनाव अभियान खत्म हो गया हो और चुनाव प्रक्रिया भी पूरी हो गई हो, लेकिन वह बुराई तो खत्म नहीं हुई है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी को इस बार बड़ी जीत मिली है। इसलिए देश की जनता को यह जानने का पूरा हक है कि आखिर आलसी और हकमारी राजवंश की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी न्याय योजना के लिए देश के ईमानदार और मेहनतकश जनता के साथ कितना बड़ा अन्याय करने वाली थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय योजना पर अगर कांग्रेस को वोट नहीं मिला तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पर से देश की जनता का भरोसा पूरी तरह से उठ चुका है। इतना ही नहीं, जनता को राहुल गांधी का न्याय किसी अन्याय से कम नहीं लगा, तभी तो कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की मंशा पूरी तरह से जग जाहिर कर ही दी थी। जब उनसे पूछा गया कि अपनी इन महत्वाकांक्षी योजना के लिए पैसे कहां से आएंगे तो उन्होंने कह दिया कि देश का मध्यम वर्ग काफी स्वार्थी है, इसलिए उन पर टैक्स बढ़ाकर देश के गरीबों को पैसे दिए जाएंगे। तभी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस को देश की जनता ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वे स्वार्थी है, बल्कि इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे होशियार है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी कमेंट करके बताइए कि आखिर क्या कारण रहे कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलने के। अगर आप हमारे चैनल अपना इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।